आज की डेट में पूरे कांगड़ा और हमीरपुर में कोई सबसे बड़ा खनन माफिया है तो मुख्यमंत्री के सगे भाई हैं। सबसे पहले सरकार बनते ही दिसंबर में सरकार बनती है और फरवरी में माइनिंग पॉलिसी चेंज की जाती है और केवल कैप्टिव यूज की परमिशन के लिए। आज ब्यास नदी के ऊपर अगर नदौड़ में जाएंगे हालात खराब हैं, पूरी की पूरी ब्यास नदी जो है इन्होंने पोकलैन और दिन रात खनन चला हुआ है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। जितने भी बड़े पत्थर खड्डों में यहाँ पे नहीं दिखाई देते हैं। देखिए अगर आज की डेट में पूरे कांगड़ा और हमीरपुर में कोई सबसे बड़ा खनन माफिया है तो मुख्यमंत्री के सगे भाई हैं। उनके मुख्यमंत्री जी इतने भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं कि आज की स्थिति ये हो चुकी है प्रदेश की। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या नौबत पड़ गई कि सबसे पहले सरकार बनते ही दिसंबर में सरकार बनती है और फरवरी में माइनिंग पॉलिसी चेंज की जाती है और केवल कैप्टिव यूज़ की परमिशन के लिए। कैप्टिव यूज़ क्रेशर में जो रोड कटिंग का मटेरियल होता है केवल वो यूज़ किया जाता है और कैप्टिव यूज़ में इन्होंने अपने सगे भाई की लीज जो है वो कैप्टिव यूज़ क्रेशर में उसको यूज़ करने के लिए परमिशन दी, बल्कि उसको परमिशन नहीं दी है, वो कर नहीं सकते हैं। उसके लिए सारी की सारी पॉलिसी चेंज कर दी गई। आज ब्यास नदी के ऊपर अगर नदौड़ में जाएंगे हालात ख़राब हैं, पूरी की पूरी ब्यास नदी जो है इन्होंने पोकलैन और दिन रात खनन चला हुआ है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। ये तो लोगों को भी हमीरपुर के विधानसभा हो चाहे पूरे हमीरपुर ज़िले के लोगों को पता है कि किस तरह से ये लोग जो है अपनी मोनोपोली सेट करने के लिए, ताकि केवल हम लोग पैसा कमाएं और बाकी जो हैं सारे के सारे जो हैं बंद हो जाएं, बेरोजगार हो जाएं। हमारे क्रशर हैं, कोई मना नहीं कर रहा हूं मैंने कभी मना नहीं किया, विधानसभा में भी बोली है ये बात, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि ये इतनी संकीर्ण सोच के साथ ये व्यक्ति हैं कि जब जिस किसी के साथ कि रोज़गार मिल रहा है 500-600 लोग काम कर रहे हैं वो भी उसी विधानसभा से हैं या उसी ज़िले से हैं, वो लोग भी वेले बैठाए हुए हैं 100-120 दिन से बिना किसी बात के क्रशर बंद कर दिए हैं, अपने धड़ल्ले से मटेरियल बेच रहे हैं, तो ये तो इनको लोग जानते हैं भली भांति। और मैं समझता हूँ खान माफिया उनके बोलने से कोई माफिया नहीं बन जाता है, माफिया तो सबसे बड़े आज की डेट में वही हैं और प्रदेश जानता है कि क्या हालात उन्होंने किए हुए। एक कमजोर कसा है आपके ऊपर, उन्होंने सबक जरूर यहाँ पे सिखाएगी क्योंकि निर्दलीय होते इस्तीफा देना कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क। ये तो मुख्यमंत्री जी को आत्म मंथन करना चाहिए कि ऐसे क्या कारण रहे कि 6 विधायक उनकी पार्टी के, 3 इंडिपेंडेंट विधायकों ने उनको छोड़ा है। उनको अपनी कार्यशैली के ऊपर सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि जो व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए वो प्रदेश में आए थे, नारा दिया था कि हम सत्ता के लिए नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं, वो आज खुद परिवर्तित हो चुके हैं। आज खुद की फैमिली को प्रमोट करने के लिए मैडम को 13 से टिकट देते हैं, ये परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। और मतलब आप खुद सोचिए कि एक नारा लेके और हर समय ये बोलना कि मैं गरीब परिवार से उठा हुआ व्यक्ति हूँ, 35 सालों का संघर्ष किया और भी वहाँ कार्यकर्ता है बेचारे कई समय से लगे हुए हैं, उनको प्रताड़ित किया गया, अब उनको उनकी तो जो कैरियर है उनको स्पॉइल कर दिया गया। तो मुख्यमंत्री जी जिस आपको पता, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आने वाले समय में सिर्फ 18 दिन की बात है, पता लग जाएगा कि